मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल सबको हैप्पी दिवाली। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। खूबसूरत सा त्यौहार खुशियां आपके लिए लेके आता है, बहुत ही कलरफुल। और आप देख सकते हैं कि रात को जब आप सबके घर पे लड़ियां जली हुई देखते हैं, दिए जले हुए देखते हैं, और तो तब आपको लगता है कि वाकई में दिवाली का क्या महत्व है, क्या दुनिया पूरा जगमग होता है। भगवान श्री राम के आने का इंतजार हर किसी को रहता है अपने घर पे, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो दिवाली में सबसे ज्यादा जो खुश होने वाली चीज है मुझे ऐसा लगता है वो है सोन पापड़ी, क्योंकि वो सबके घर घूमेगी। और सबसे दुखी वो लोग हैं जिनको सोन पापड़ी के डिब्बे पकड़ाए जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन उनकी रही होगी कि रसगुल्ला आएगा, गुलाब जामुन आएगा, लेकिन आता उनके घर सोन पापड़ी का डिब्बा। तो सोन पापड़ी सबसे खतरनाक चीज है, आज आपके घर भी आ सकती है, तो बचे नहीं, एक्सेप्ट करें, बुरा ना मानो, दिवाली है। और मैं अभी रामनगर जा रहा हूँ कुछ काम से, तो रामनगर जाके मिलता हूँ आपसे। अभी बस जस्ट निकला ही हूँ घर से, और आपको दिखाता हूँ कि रामनगर में कितनी भीड़ हो रही है। आज त्यौहार है, दीपावली है, बहुत ही अच्छा माहौल है, भगवान करे सबकी दिवाली अच्छी जाए। मिलते हैं आपके रामनगर जल्दी। तो मैं पहुंच गया हूँ रामनगर में, भीड़ देखते ही बनती है, पार्किंग की जगह नहीं है, और ये रानीखेत रोड है। तो आप लोग देख सकते हैं रामनगर में भीड़ थोड़ा कम है आज, कल के मुकाबले कल ज़्यादा थी। तो इस तरह से लोगों के साथ दिवाली की शॉपिंग हो चुकी है पूरी। शाम को दिवाली की तैयारियाँ चल रही है, क्या कहें इस त्यौहार के, क्या कहें, सबकी दिवाली अच्छी करे भगवान, यही मैं आशा करता हूँ। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे जूस पीने, और ये दुकान भी अभी लेटेस्ट ही खुली है। एक पाइनएप्पल मीडियम जूस मिला है। हाँ जी पीना है। तो ये रहा मेरा पाइनएप्पल जूस, थोड़ा लाल हो गया, नाम निकाला था ना उसकी वजह से लाल आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात। मार्केट का काम खत्म करने के बाद मैं जा रहा हूँ दीदी के घर मिठाई देने, उसके बाद चलता हूँ घर। और तब तक शाम भी हो जाएगी, क्योंकि दिन के 2 बजने वाले हैं, भूख भी लग रही है, घर जाके खाना खाता हूँ, मिलता हूँ आपको। सारा काम निपटाने के बाद, मिठाई देने के बाद मैं भी घर को जा रहा हूँ। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। और भाई गोली खा लिया खाना तूने? अरे वाह, तेरी मम्मी क्या बना रही है, रंगोली? आरती क्या बात है, एक लावे उल्लू पापा आ गए। मैडम तुम्हारे ये दी छोटा हो गया और वो आई बहुत बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, पहला अक्षर सही होके दूसरा अक्षर खराब क्यों हो जाता है पता नहीं, पता नहीं। वैसे मैं कोई बात आ गया हूँ घर पे, और मम्मी और एकला भी खेल रहे हैं। अरे 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 तुझे क्या हो गया? भूख तो आपको भी लग गई होगी, चलिए आइए खाते हैं मिलकर दाल भात। आज खाने में है दाल भात, और ये है एकला भी। तो हम लोग जा रहे हैं सोन पापड़ी के डिब्बे बांटने। अब यहाँ तो देख सोन पापड़ी के डिब्बे और भी हैं उसमें, पहला दिख रहा। ज्यादा खुश करो का अच्छा मैम करो का अच्छा बाजार गया वाला है। हाँ हाँ तो चलिए शुरू करते हैं इस साल दिवाली का जो खूबसूरत सा त्यौहार है, उसका आगाज करते हैं खूबसूरत सी आरती के साथ। आरती भी अपने पास तो है वैसे, खूबसूरत प्रार्थना के साथ। और ये है आयुष्मान,
और ये है एकलवी। एकलवी एक साल का हो गया है उसकी, अभी दूसरी दिवाली है। पिछले साल भी आयुष एकलवी ने दिवाली खेली थी ना, एकलवी इस साल भी एकलवी दिवाली मनाएगा हमारे साथ, है ना एकलवी। मैंने इतनी बार अपने सर में विनाश हो तो फाइनली पूजा हो गई है समाप्त। अब हम फोड़ेंगे गोलू पटाखे, ये। लेकिन फिलहाल दिए अब रखते हैं बाहर और जलबार पर रहते तो अब के लिए है। दीपू आई है अभी। हेलो, कैसा लग रहा है? आज दिवाली थी तो सुबह से बिजी लग रही है। बहुत ज़्यादा बिजी। अंकु चाचा आया है। हेलो, हैप्पी होली दिवाली। और इसकी भाभी। तो ये रहा पीरू मदारा का नजारा, कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त। पार्वती कुंज फर्स्ट है ये। पार्वती कुंज फर्स्ट है। तो मैं पका रहा हूँ पकौड़ी और आरती पका रही है पूरी। हम दोनों पूरी पकौड़ी बना रहे हैं आज। और ये बनी है छोले की सब्जी, तो आज हम इसी का डिनर करेंगे। और चलिए इस ब्लॉग का अंत करते हैं आज। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत रहा, दिवाली बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाई। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई होगी। आप सबको, आपके परिवार सहित और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे ये ऐसी दिवाली आपकी ज़िंदगी में हर साल आए और खुशियों से भर दें आपकी ज़िंदगी को। माँ लक्ष्मी कृपा आप पे बनी रहे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाय बाय, गुड नाइट।